जय शंकर दोस्तों, द राइडर HP 47 आज न्यू ब्लॉग के साथ। फिलहाल मेरा बैग हो गया पैक शाम को, एक दिन पहले शुक्रवार, क्योंकि कल सुबह निकलना हमें श्रीखंड यात्रा के लिए। ये मेरा दूसरा ट्रैक है, फर्स्ट टाइम मैं गया था 2019 में, तो अब मैं जा रहा हूँ 2024 में। तो बाइक जय शंकर दोस्तों, हर हर महादेव। तो मेरी हो रही है तैयारी श्रीखंड महादेव की, तो रात को मैंने बैग वगैरह पैक करके अपनी बाइक के साथ चलाते हुए, ताकि सुबह मुझे टाइम मिले। गुड मॉर्निंग जय शंकर, बज गया सुबह के 4, अपन हो गया है रेडी, बस हो गया सामान, तो अपना पैक है, निकलते हैं रेडी। चलो, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सेक्टर 56, अपने राहुल भाई को भी पिक करना है, क्योंकि इस बार वो भी मेरे साथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अपना नूरी भाई, जय माँ सेवा दल के अपने प्रधान साहब हैं सेक्टर 56 के। तो भाई बोलता कि हर बार आप चले जाते हो, मुझे साथ लेके नहीं जाते, तो मेरा भाई चलो आपको भी इस बार हम साथ लेके जाएंगे। तो पहुँच गया मैं सेक्टर 56 नूरी भाई के घर के पास, क्या नूरी भाई रेडी हुआ कि या नहीं हुआ है। तो आगे देखा तो नूरी भाई तो रेडी था, अपना मम्मी जी और दादी जी का आशीर्वाद लेके हम निकले यात्रा के। तो चलो नूरी भाई चलते हैं, अपना जो रूट रहेगा आज का रूट रहेगा चंडीगढ़ से शिमला, नारकंडा, रामपुर, रामपुर से बागीपुर, और बागीपुर से सिंगाड़ा से होगी अपना यात्रा स्टार्ट। सिंगाड़ा से अपने मेडिकल वगैरह चेकअप वगैरह हो गए, वहाँ से हमें करनी है यात्रा स्टार्ट। तो फिलहाल पहुँच गए हम सेक्टर 28। तो नूरी भाई बोलता है कि 28 के पेट्रोल पंप पे से हमने पेट्रोल भरवाना है, यहाँ पे अच्छा होता है। तो मेरा भाई चल जहाँ तो बोलता है हम वहीं चल पड़ेंगे। तो भाई ने करवाया यहाँ पे टैंकी फुल, क्योंकि मैंने तो एक दिन पहले ही करवा चुकी है। तो भाई साहब बारिश हो गई थी पीछे चंडीगढ़ के टोल प्लाजा के पास पंचकूला में, तो फिलहाल तो भीग गए थे हम। बाकी मौसम अभी थोड़ा ठीक हो चुका है, शंकर करे आगे मौसम ठीक ही रहे। तो चलो राइड का आनंद लेते हैं, चलते हैं हम शंकर के दरबार। तो इस वक्त जो पहुंच चुके हम सोलन, तो हमारे साथ आज खास शख्स अपने राहुल भाई, एडवोकेट फ्रॉम चंडीगढ़। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ यात्रा करने के लिए निकले हैं। तो राहुल भाई कैसा लग रहा है फिलहाल आपको? बहुत अच्छा। बारिश में कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई, राइडरों की यही पहचान होती है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे बारिश हो, बाकी चलना है अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है, रुकने का नाम नहीं है अपनी ज़िंदगी का। तो आज अपने भाई करें श्रीखंड की यात्रा अपने साथ, मैं तो चलो दूसरी बार हूँ, राहुल भाई अपना फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसी रहती है हमारी यात्रा इस बार की। बाकी महादेव जाने, जय शंकर। तो ये हमारी बाइकों को दे रहे हम अपना रेस्ट, तो फिलहाल रुके हम ढाबे पे चाय चूय पीने के लिए फिलहाल के लिए, बाकी यात्रा जो है कंटिन्यू है। हर हर महादेव। तो पहुंच गए हम शिमला, शिमला से यात्रा है जो हमारी कंटिन्यू है। तो भाई हम शिमला से आगे पहुंच गए, जगह का नाम है शराबड़ा। भाई शराबड़ा सच को बोला ना, शराबड़ा भी है जगह का नाम। भाई मौसम तो बहुत खराब है, धुंध बहुत है। तो रुके थे पापा, भाई रुके थे चाचे को, मैगी खा ली गई मैं, ये अपना चाचा तो चला मैगी तुलका देना। राहुल भाई जी मैगी का आनंद लेते हुए पहाड़ों में। राहुल भाई आप कुछ कहना चाहते हो फिर आज की राइड? कुछ नहीं कहना, कुछ तो बोले, कहते हैं ना पहाड़ों में आए और जय शंकर, बस जय शंकर, पहाड़ों में आए और मैगी ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है ना चाचा? चकले चको चको राज तिलक। तो इस वक्त जो पहुंच चुके हैं बागीपुर, सुबह 6-4 बजे का सफर जारी, लगभग 2:30-3 होने को लग पड़े हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल बागीपुर से, बस अभी हमारा थोड़ा ही सफर बच गया है। तो यह अपना राहुल भाई चला है आगे हमारे, रोड काफ़ी ख़तरनाक है, आप देख सकते हो सिंगल रोड है, खड्डे खुड्डे बहुत हैं, इसलिए थोड़ा समय के और नॉर्मल स्पीड थी हमारी, कोई ज़्यादा यानी कि जल्दबाजी की हमने।
तो सफर करके हम पहुंच गए हैं यहाँ पर श्रीखंड महादेव। आपकी यात्रा का हार्दिक स्वागत करते हैं। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। इन पहाड़ियों को छोड़कर सीधे ऊपर जाना हमने। तो ये अपने राहुल भाई खड़े हैं। तो हम पहुंच गए इस वक्त गांव चाऊ में। यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह सारी पार्क की जाती हैं। यहाँ सामने महाराज जी लगा हुआ था, जंगल भी लगा हुआ था। तो दो घर फिलहाल हमने खाया नहीं, क्योंकि सफर के दौरान देख लिया है। तो हर हर महादेव, शंकर का नाम लेके यात्रा हो रही है हमारी शुरू। तो चलते हैं दोस्तों, हर हर महादेव। तुमने रस्सी कहाँ रखी? वो रस्सी कहाँ रखी? इसको बैग के साथ बांधे ना सीधे भाई, इसको बैग के साथ बांधे। नदिया किनारे हमारे नूरी भाई के बहुत बुरे हाल हो गए हैं। अभी चढ़ाई शुरू हो गई और नूरी भाई के जान निकलने पे आ गई है। क्या बोला नूरी भाई है? ये अपने राहुल भाई का मेडिकल बोले रजिस्ट्रेशन का है। वो तो फोन में है ना। चल ठीक है, चलो भाई चेक करवाने के लिए जा रहे हैं हम इधर। हो गया हमारा मेडिकल चेकअप, तो हम निकल रहे हैं अब शंकर के दरबार। जय शंकर। आप जाने सिंघाड़ा से अपना मेडिकल चेकअप करवा के लिए। सिंघाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर है जब चलता है, 10 किलोमीटर का हिसाब। तो बिल्कुल मत रखना आपसे सभी से मिलती है, क्योंकि 14 किलोमीटर सिर्फ कहने के हैं 14 किलोमीटर, पर 14 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप ट्रैक पे यात्रा तो किलोमीटर का हिसाब तो बिल्कुल ना लगाए, बस शंकर का नाम लेके चलते जाए। जहाँ लंगर मिलता है, जहाँ पानी मिलता है, तो पानी तो बिल्कुल साथ रखे। मेन स्कोप है अपना पानी, और कुछ मिले या ना मिले पानी तो जरूरी है। जय शंकर। जय शंकर। जय बोले। ओ भाई कैसी रही यात्रा? कैसी रही यात्रा? चलो सुंदर सुंदर दृश्य इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, जितना मेरा से हो सके बताऊंगा। आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। चढ़ाई हो चुकी है, स्टार्ट सुंदर सुंदर। जो कुदरत है वो कुदरत है, चाहे कुछ भी। जय शंकर। मित्रों चढ़ाई खत्म होना ना नहीं लगा करती, कंडीशन बहुत टाइट हो गई है, थक गया। चलो मंजिल तक तो पहुंचना ही है। आई मेरी अम्मा।